गुड टू सी यू स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन इन द कॉलोनी जिसको समझने के लिए हम कॉटन टेक्सटाइल्स का एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स ब्रिटिश राज से पहले इंडिया एक कॉटन राज का एक लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ करता था इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन गुड्स की बहुत ज्यादा फेमस थे यानी इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन गुड्स बहुत ज्यादा फेमस थे ये वो टाइम था जब पंजाब से लेकर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर सेल किया जाता था एक्सपोर्ट के लिए हुगली सूरत और मसूली पटनम में सी पोर्ट्स थे यानी स्टूडेंट्स ये हो गया हुगली ये मसूली पटनम और ये सूरत तो ये पहले यहाँ पे जो है इंडिया का पोर्ट्स हुआ करता था एक्सपोर्ट के लिए जिनका इंडियन मर्चेंट्स ही हैंडल करते थे रॉ मटीरियल्स लेकर सारा एक्सपोर्ट इंडियन मार्चेंट्स ही कंट्रोल करता था पर धीरे धीरे यूरोपियन कंपनीज पावरफुल होने लगी जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया इसके लिए उन्होंने मुंबई और कलकत्ता में नए पोर्ट्स बनाए एक तो बनाया मुंबई में और दूसरा कलकत्ता में यहां पे उन्होंने नए पोर्ट्स बनाए और वहां से कार्टन गुड्स को बड़े बड़े शिप्स में एक्सपोर्ट किया जाता था धीरे धीरे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी राइस हुई जिसने पॉलिटिकल पावर गेन कर ली और इंडियन कार्टन टेक्सटाइल को कंट्रोल करने की कोशिश करी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कैसे किया यानी उन्होंने ऐसे कैसे कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे इंडिया के जहां पर भी कार्टन गुड्स की प्रोडक्शन होती थी वहां पर अपने पेट वर्कर्स को अपॉइंट कर दिया जिनका नाम था गोमा यानी स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे पेड वर्कर्स थे उनके लिए काम करता था ये जो गुमस्ताज थे ये वहां पर सारे एक्टिविटीज को सुपरवाइज करते थे साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंडियन प्रोड्यूसर्स को कार्टन का बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से उनको लोन की जरूरत होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रोवाइड करती थी स्टूडेंट्स उस लोन से जो उनके पास मनी आता था उससे वो रॉ मटेरियल खरीदता था और गुड्स को प्रोड्यूस करते थे जो कार्टन ग्रुड प्रोड्यूस हुए उनको गुमस्ताज को ही दिया जाता था तो ईस्ट इस इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को यह फायदा हुआ कि जितने भी इंडियन प्रोड्यूसर्स थे उनका अब दूसरे बायर्स के साथ कॉन्टेक्ट टूट चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया था और यही उनका मोटिव था स्टूडेंट्स इस प्रोसेस से इंडिया क्वेश्चन आता है कि आखिर इस प्रोसेस से इंडियन प्रोड्यूसर्स को लॉस कैसे होता था ऐसा करने से जितने भी इंडियन प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रॉफिट बहुत कम होते थे जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ही सालों में ये काम करना बंद कर दिया उन्होंने फार्मर एग्रीकल्चर लैंड पर काम करना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स ऐसा करने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बेनिफिट होता था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट क्या हुआ ऐसा करने से स्टूडेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में जितने भी कंपिटेटर्स थे अब वो ख़त्म हो गया और यही टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियल्स थे उन्होंने इंडिया का एक टूर लिया जिससे कि उनको ये पता चला कि इंडिया में कार्टन गुड्स की डिमांड कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती जिसकी वजह से जो कि इंग्लैंड में एक सिटी है वहां पर ब्रिटिश मशीन्स में गुड्स प्रोड्यूस होते थे अब उनको इंडिया एक्सपोर्ट किया जाने लगा जिसकी वजह से इंडियन कॉटन गुड्स की प्रोडक्शन 33 परसेंट से ले लेकर 3 परसेंट डिक्लाइन हो गई यानी पहले ये थर्टी थ्री परसेंट था अब पूरी तरह से डिक्लाइन होकर तीन परसेंट ही रह गए तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इंडिया में जो आप छोटे छोटे कॉटन वेवर्स थे गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल भी नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि ये वही टाइम था जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से कॉटन सप्लायर्स डिक्लाइन हो गई थी स्टूडेंट्स इंडिया के या इंडिया के ये सारे सिचुएशन तब इम्प्रूव हुई जब इंडिया में फैक्ट्रीज हो गई जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा फैक्ट्रीज इन इंडिया सो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इंडिया में ये सारे चीज़ें तो तब इम्प्रूव हुआ जब इंडिया में फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गया सो so स्टूडेंट्स ये लेक्चर यही पैंट होता है आपको क्या करने हैं इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है और साथ में नोट्स जो है वो मेंटेन करना है नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन लेक्चर्स की वो नोट मेंटेन करो जब भी आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया बार बार लेक्चर को रिपीट करके आपको देखना है थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हैप्पी गुड डे